हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नीटिंग मशीन से बॉनी हेड की वीडियो लेकर आई हूं। तो मैंने बहुत दिनों से कुछ काम नहीं किया, तो आज मैंने सोचा छोटा सा वीडियो बना के दूं, तो इसलिए मैंने एक हेड बना रही हूं। तो इसके लिए मैंने 50 फंदा लिए है। 50 फंदा लेने के बाद मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से मैंने किया है। दो लाइन मैंने प्लेन दूसरे कलर से बनाया। ये मेरे बेस्ट यहाँ से, जब मैं इसको सिलूँगी तो ये मेरा निकल जाएगा। तो इसको दो लाइन बनाने के बाद वेस्ट धागे से इधर से मैंने लेफ्ट साइड में इसकी धागा छोड़ दिया था, फिर राइट साइड से मैंने कैरेज लेके मैंने जो मेन थ्रेड है इस थ्रेड को मैंने लगा दिया। तो जैसे इधर से मेरा ये धागा दिखिए, इधर से मेरा ये धागा छूट रहा है, तो इधर से मैंने छोड़ दिया था धागे को, फिर मैंने राइट साइड से लिया, फिर राइट साइड से जो मेरे मेन थ्रेड है इससे मैंने बनाया। तो इसको मैंने 50 फंदे लिए हैं। अब देख लीजिए मैंने किस तरीके से इसको बनाया। जैसे मैंने 50 फंदे ले रखा, मैंने दो कलर से बना रही हूँ, मैंने 3-4 पेटल बना लिया, इसके मैं 12 पेटल बनाऊंगी। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे मेरे 50 फंदे हैं तो दो फंदा मैंने ऐसे निकाल देना है। तो देखिए, जो सिंपल नीटिंग मशीन वाली बहने हैं वो कैरेज के हुक पीछे कर देंगे, और ये जो है हमारे दो फंदा निकल जाएगा। दो फंदा हमने ऐसे करके निकाल देंगे हर दो रो की बार। तो ऐसे करते करते मैं देख रहे हैं, ऐसे करके मैं दो रो बनाऊंगी। तो जैसे मेरे कैरेज की जो हूँ के इस साइड में मैंने कर रखा है टक बटन को, तो ऐसे करके मैं बना रही हूँ। तो हर दो लाइन के बाद मैं इसको निकाल दूंगी दो दो करके। जैसे देख लीजिए, ऐसे दो कर दिए, तो इधर से मैं लेकर आई हूँ लेफ्ट साइड से, फिर से मैं दो निकाल दूँगी। देख लीजिए, ऐसे करके मैं हर दो रो के बाद ऐसे करके निकाल दूँगी। ऐसे करके निकाल तो ये मेरे पास 20 फंदे हो जाएंगे। जैसे इधर से मेरे 20 फंदे हो जाएंगे लेफ्ट साइड से, तब मैं इधर से दो दो करके फंदा निकालूंगी। तो ऐसे करके मैं दिखा देती हूँ आपको, 20 फंदा निकाल के देख लीजिए। चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, अठारह, देखिए फंदे इधर मेरा 20 फंदे हो चुके हैं। अब मैं इधर से दो दो फंदा निकाल लूँगी। तो मतलब जब मेरा लेफ्ट साइड में 20 फंदा हो जाए, 20 निडल्स हो जाए, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यहाँ पे मेरा 20 हो गया। तो अब मैं राइट साइड से दो दो करके निकाल दूँगी, इधर से दो निकालूंगी, इधर से दो निकाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इधर से मैंने 10 फंदा निकाल दिया, 2, 4, 6, 8, 10। जब इधर राइट साइड से 10 फंदा निकल जाएगा तब इसको मैं अंदर कर दूंगी, इसको मैं ऐसे करके अंदर कर दूंगी। अब इधर से भी मैं इसको अंदर कर दूंगी। देखिए मेरा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, तो मैं दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी, फिर मैं ऐसे धागा लगा दूँगी। मेरे कैरेज का जो बटन जैसे है ऐसे रहेगा, इसको कुछ छेदना नहीं है। फिर से मैं ऐसे करके दो निकाल दूंगी, देख लीजिए ऐसे मैं दो निकाल रही हूँ, एक दो ऐसे करके निकाल रही हूँ मैं। यहाँ पे जब तक 20 फंदा ना हो तब तक मुझे ऐसे करते रहना है। दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, अठारह, देखिए मेरा 20 कंप्लीट हो गया। अब मैं दो इधर से निकाल दूंगी दोबारा, इधर से दो निकाल देगी।
देखिए फ्रेंड, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो आप लोगों को शायद समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझने में कहीं पे दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना या मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना, मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से करना है। तो जैसे ये 12 रो कंप्लीट हो जाए, 12 पेटल्स, मैंने 6 पेटल्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो 12 पेटल्स हो जाएंगे, तो मैं इसको कंप्लीट करके बेस टेन में उतार लूँगी। जैसे मैंने इसको बेस टेन में इसको बनाया था दो लाइन, तो इसको मैंने बेस टेन में बेस्ट धागे से मैंने इसको दो लाइन उतार के मैं आपको दिखा दूंगी। तो इसको मैं 12 कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी। इसको मैंने 12 लाइन कंप्लीट कर दी है, अब इसको मैं बेस्ट एंड से उतार के आपको दिखा दूंगी। दो लाइन में बेस्ट एंड से उतार दूंगी ताकि मेरे को सिलने में आसानी हो, तो मैं आपको सिल के भी दिखा दूंगी इसको। अब मैं इसको उतार के फिर इसका बॉर्डर बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको सिल के आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसके आपको मैं किस तरीके से सिल लूँगी। तो ये दोनों तरफ मेरे वेस्ट ऊन है, और जो मेरे मेन धागा, मेन जो नीडल्स के फंदे हैं ये है, तो इसको मैं एक तरफ से, ये वाइट वाली है, तो देखिए ये दोनों तरफ उल्टी है, उल्टी तरफ से मैं करूँगी। एक फंदा ये ले लूँगी और एक फंदा इधर से ले लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं लेंगी, देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे करके दिखा रही हूँ। एक ये है और एक है रेड वाली। पहले इसको ऐसे ले लेंगे, इसको मैं ऐसे ले लूँगी, फिर इसको इधर से ले लेंगे, इसको इधर से लेंगे, और इधर से जहाँ से हमने लिया था इस फंदे को ऐसे करके ले लेंगे। तो ऐसे करके देख लीजिए, फिर हम इधर से ले लेंगे, जैसे ए वाली फंदा है, थोड़ी सी क्लोज करके दिखा रही हूँ आपको, देख लीजिए ए वाली है, और इधर से जहाँ से हमारा धागा निकाल के आ रहे हैं, थोड़ी सी खींच के आपको पता चल जाएगा ए वाली है। तो हम इसको ऐसे ले लेंगे, देख लीजिए, फिर हम इधर से ले लेंगे, इसको हम ऐसे ले लेंगे, फिर जिस साइड से मेरा धागा निकल के जा रहा है ऐसे ले लेंगे। इस तरीके से सिल लेंगे, बिल्कुल पता नहीं चलेगा सिलने कैसे है। तो फिर से हम इधर से सफ़ेद से ले लेंगे, और इधर से हम जहाँ से मेरा धागा निकल के आ रहे हैं, देख लीजिए ऐसे, फिर उधर से हम डाल देंगे, इससे ऐसे करके लेना है। थोड़ी सी देख लेना ध्यान से, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, इससे ले लेंगे, इससे ले लेंगे, और जो धागा हमारे जा रहे इससे ए वाले व्हाइट से ऐसे करके सिल देंगे, तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा सिलाई। देख लीजिए इसको ऐसे किया, फिर मेरे ए व्हाइट से इधर से ले लूँगी, देख लीजिए ए व्हाइट है, और जहाँ से मेरा धागा निकल के आ रहा है इसको थोड़े से खींचेंगे तो आपको पता चल जाएगा ए रही। तो इसको ऐसे कर देंगे, इसको मैं आपको थोड़ी सी करके दिखाती हूँ अच्छे से, देख लीजिए ऐसे करके आएगा, बिल्कुल पता नहीं चलता इसकी सिलाई कहाँ से आपने इसको जॉइंट किया है। मूवी देखोगे कौन सी? देखिए फ्रेंड, ये मेरे व्हाइट इधर से निकला हुआ है, अब इधर से ले लेंगे, जिस साइड से धागा निकला उससे ऊपर वाले हिस्सा लेना है, और जहाँ से धागा निकल इस साइड से मेरा जा रहा है इधर से ले लेंगे। तो देख लीजिए ऐसे है, फिर मैं इसको ऐसे ले लूँगी, इसको ऐसे लेना है, और जहाँ से मेरा धागा गया है इधर से ऐसे कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। फिर से मैं व्हाइट से ले लूँगी, ऐसे लेना है, और ए वाली पोर्शन में जहाँ से मैंने सिला था
उस जगह पे लेना है। अब देख लीजिए, इसको भी ऐसे करके लेना है और इस व्हाइट में डालना है। थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे ना तो आराम से कर लेंगे आप लोग। ये देखिए यहाँ से हो गया। अब मेरे को इस व्हाइट में लेना है और इस वाली गाजरी में डालना है। देख लीजिए ऐसे करके, अब इस गाजरी में मैं डालूँगी इसको, नीडल्स को ऐसे करके डालूँगी, फिर इस व्हाइट पर डाल दूँगी। देख लीजिए ऐसे करके मैं पूरा। हाँ बूढ़ी, मैंने जो कैप बनाई है, कैप की बॉर्डर के लिए मैंने अलग से उठा रही हूँ फंदे। जैसे मैंने इसमें 0 से 50 फंदा राइट में लिया है, 0 से 50 फंदा मैंने लेफ्ट में लिया है, तो 100 फंदे लिए हैं। 100 फंदे लेने के बाद मैं 14 रो बनाऊँगी। तो मैं 14 रो बनाने के बाद इसको मैं बेस स्टैंड से उतार दूँगी, तो मैं इसको 14 रो कम्प्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये टोटल 28 रो ले लिया। अब जब मैं इसको फोल्ड करके सिलूंगी तो मेरे 14 रो आ जाएंगे। तो मैं इसको वेस्ट एंड से उतार के आपको दिखाती हूँ, फिर मैं इसको सिलूंगी कैप को। कैप को कैसे सिलना है वो मैं आपको बता दूंगी।